गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अल्लाह आपसे राजी हो अर्तुरुल साहब, मेरी और मेरे भाई की जान बचाई। जल्दी से आलियार भाई के पास ले चले मुझे। पहले हम सराय जाएंगे। इंशाल्लाह अपने कबीले को अर्तुरुल साहब की मदद से हम अमन सुकून का गहवारा बनाएंगे। असलहान खातून बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली होगी। अर्तुरुल से हानली बाजार छिन जाने की वजह से वो किसी भी हद तक जा सकता है। हालात बिगड़ने की सूरत में कुछ भी हो सकता है, जंग भी हो सकती है, इसलिए तुम मुहतात रहना। जैसा आपका हुक्म। सरदार अर्तुरुल और अमीर सादतीन आपके इंतजार में है जमींदार साहब। सुना था तुम अमीर सादतिन से कोई मुआहिदा तय करना चाहते थे जमींदार वेसिलियस। मैं इसीलिए अपने बाजार के तराजू में तोलना चाहता था तुम्हें। अब देखते हैं यहां क्या कीमत लगती है तुम्हारी। बादशाह के अजीम कमांडर जमींदार वेसिलियस की इज्जत की कीमत लगाने की तुम्हारी औकात नहीं अर्तुरुल। जुल्म और सितम की सताई खातून का फायदा उठाने की कोशिश की तुमने, साजिश करके अपने मजमूम इरादों में तुमने सल्तनत के अमीर को भी मोहरा बनाना चाहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे वकार से पहले तुम्हारी
अक्ल की कीमत लगनी चाहिए। मेरी अक्ल और इज्जत की क्या कीमत है खुद देख लेना। तुमने हमारी मोहब्बत और नरमी खत्म कर दी है अपने लिए वैसिलियस। अब तुम हमारे लिए साहिब इज्जत जमींदार नहीं रहे। अब हम तुमसे एक मुअज्जज जमींदार वाला सुलूक नहीं बल्कि वो सुलूक करेंगे जो एक घटिया लुटेरे के साथ किया जाता है। तो फिर मेरे किले में आकर तुम्हारी खुफिया सौदेबाजियों की बात शुरू करते हैं अमीर सादतीन। हद में रहो अपनी। अमीर सादतीन ने जो कुछ भी तुमसे कहा सिर्फ और सिर्फ सलजूक सल्तनत के मफाद के लिए था। वो तुमने तो असलहान के लिए भी सौदेबाजी की थी। अपनी मंगेतर को ढूंढ निकालने के एवज तुमने मुझे हाली बाजार दान किया था। अमीर सादतीन, हाली बाजार काई कबीले की मिल्कियत है। अगर तुम में ताकत है तो जंग करके ले लो इसे। अगर तलवार से हासिल नहीं कर सकते तो साजिशों से भी नहीं हासिल कर पाओगे। मैं यहां अपना हक लेने आया था और लेकर रहूंगा। तुम यहां मरने के लिए आए हो वैसिलियस। जल्दी आओ यहां, उठाओ उसे। जल्दी उठाओ उसे, जल्दी करो। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुर्क। घोड़े पर लाद दो इसे। बंसी को अगर दोबारा देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी तलवार नियम में रखना होगी अर्तुरुल साहब। मैं जानता था तुम मुझे जाल में जरूर फंसाओगे। अहमक समझा था मुझे, हाँ, इसलिए इंतजाम करके आया था मैं। अमीर सादतीन,
अर्तुरुल के साथ मिलकर मेरे लिए जाल बिछा सकता है, इसलिए मुझे बंसी की जरूरत है। वो तुर्क मेरी जिंदगी का जामिन होगा। बंसी के साथ तुम उस तवील वादी में मेरा इंतजार करोगे। शैतान भी तुमसे पनाह मांगता होगा वैसेलियस। मुझसे या तुमसे? लोग मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकते, एक एक को मार दूंगा मैं। मार दो मुझे, तुम लोग जिंदा नहीं पकड़ सकते मुझे, मार दो। खबीस इंसान, मार दो मुझे। शैतान हो तुम, पैर बांधो इसके। जिंदा नहीं पकड़ सकते मुझे तुम, मार दो मुझे मलून इंसान, मार दो। नहीं पकड़ सकते मुझे जिंदा, मार दो मुझे। बंसी कहाँ है? बंसी कहाँ है जानता हूं मैं। अगर उसे बचाना चाहते हो तो मुझे और मेरे सिपाहियों को छोड़ दो, वरना याद रखना, सूरज ढलने से पहले बंसी मारा जाएगा। ये मकरूह खेल तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को अब मजीद नहीं चलने देगा वैसीलियस। अर्तुरुल साहब, मकसद हासिल हो चुका है, इसको देखकर बंसी को हासिल करिए। तुर्गुत, बंसी को लाओ वापस, और जरा भी होशियारी दिखाने पर सर उतार देना इसका। जैसा आप कहें भाई। तुम्हारा सर कारा जैसार किले के दरवाजे पर टांगूंगा मैं। किले में मुंतजर रहूंगा तुम्हारा।
बंसी, आ बंसी, बंसी। इन लाशों को बाहर ले जाओ यहां से। आ बंसी। मामला सही नहीं जा रहे चौलपान। बतुहान ने असलेहान को सब कुछ बता दिया होगा। कुतलुजा को लाश मिल गई, आलियार की जान बच गई। आखिर ये कैसी बदकिस्मती है? क्या सोच रहे हैं अब आप? कोई रास्ता नहीं बचा हमारे लिए। उराल कभी मुश्किल में हार नहीं मानता, इसीलिए वो उराल सरदार है। किसी से कभी रहम की भीख नहीं मांगी। ये स्याह बादल एक न एक दिन जरूर छट जाएंगे, मगर तुम मेरी जौजा होकर मायूसी की बातें ना करो। मुझे इसी वक्त हर हाल में अमीर सादतीन से मिलना है। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। भाई आपके हुक्म के मुताबिक हानली बाजार गया था मैं। सराय में खून रेजी हुई है। क्या? अर्तुरुल साहब और अमीर सादतीन ने मिलकर वैसेलियस के सिपाहियों को मार डाला। क्या कह रहे हो तुम? ये अमीर सादतीन ने हम तबाह कर डाला। असलेहान खातून की वजह से हुआ ये सब, और कुछ मालूम नहीं हो सका। उसके बाद उनके सिपाही वैसेलियस और उसके कमांडर को ले गए। वैसेलियस कैसे उनसे बच निकला? बम्सी को वैसेलियस ने यरगमाल बना लिया था। बम्सी के बदले में वैसेलियस को छोड़ा गया है। वैसेलियस और बतुहान, अर्तुरुल और अमीर सादतीन मुत्तहिद हो चुके हैं। अर्तुरुल और अमीर सादतीन कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं? क्या जमीन और आसमान कभी मिल सकते हैं? रेगिस्तान को कभी समंदर से मिलते देखा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता चौलपान। तैयारी कर लो, हमें फौरन निकलना है। कहाँ जाएंगे हम? इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए अमीर सादतीन से मुलाकात कर दें। मैंने कहा था कि हमारा निकाह महल में होगा। सुल्तान भी तुमसे वाकिफ हो जाए, ये ख्वाहिश थी मेरी। लेकिन तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया असलेहान। जैसा आप मुनासिब समझे अमीर सादतीन, वैसा ही कीजिए। अगर मेरे इख्तियार में होता तो तुर्क कबाइल के जिरगे के बाद ही मैं तुमसे निकाह कर लेता। मालूम है ना, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। आलियार भाई मेरी शादी में शरीक हो, ख्वाहिश है मेरी। आला, मतलब तुमने अपने भाई से अपनी अदावत खत्म कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की असलेहान। अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। सुल्तान की जानिब से मक्तूब आया है। कुछ दिन भी सुकून के मयसर नहीं है हमें असलेहान। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि मैं फौरी रवाना हो जाऊं।
तुर्क जिरगे के शुरू होने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। काम कब तक खत्म हो जाएगा? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए साहब, शाम तक सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। तमाम सरदारान का शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मेरा बच्चा बंसी सही सलामत वापस आ जाए बस। वाह बंसी, मुझे सिर्फ उसकी वजह से वसीलियस को छोड़ना पड़ा। बेटा बंसी से खफा ना हो, उसे तो इस बात की खबर ही नहीं, वो तो मोहब्बत में अपनी अकल ही खो बैठा है। ये हालत जंग है वालिदा, हालत जंग। छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है हम लोगों को। हाय मखानम, मेरे लायक कोई काम है तो हुक्म कीजिए। तुम अभी आराम करो बेटी, बहुत थक गई होगी। अल्लाह ने चाहा तो सब काम हो जाएंगे। असलेहान, मेरी बहन। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें लौटा दिया। सही सलामत देख लिया आपको, अब अगर मैं मर भी जाऊं तो गम नहीं। अर्तुरुल साहब, कुछ बात करनी है आपसे। कहाँ हैं तुम्हारे लोग, जल्दी बताओ। अपनी हर सांस का मजा ले लो तुम तुर्क। यकीन रखो वो यहां आएंगे। और आज के बाद तुम्हारी हर सांस तुम्हारे सीने को चलाती रहेगी वैसलियस। तड़पते रहोगे तुम। इंतजार करो सब्र से, खेल तो अभी शुरू हुआ है। हर मलून जिसे हमने मारा वो ऐसी ही बातें करता रहा था वैसलियस। सुल्तान चाहते हैं कि मैं फौरी पेशकदमी करूं। मामला क्या है अमीर सादतीन? जंग शुरू हो चुकी है अर्तुरुल साहब। इंशाल्लाह उस वैसीलियस की वजह से कोई मुश्किल खड़ी नहीं होगी हमारे लिए, और सुल्तान के गैज़ो-ग़ज़ब का निशाना नहीं बनेंगे हम इंशाल्लाह।
परेशान ना हो आप अमीर सादतिन, ऐसा ही होगा। हक और इंसाफ हमारे हमराह हैं, सुल्तान भी जानते होंगे ये, आपने भी हकीकत देख ली है खुद। उम्मीद करता हूं उराल के साथ आप मजीद ताबुन नहीं फरमाएंगे। उराल एक जख्म खुर्दा आदमी है, अभी वो खतरे से खाली नहीं अर्तुल साहब। आलियार साहब, असलेहान खातून मेरी अमानत है आपके पास। असलेहान मेरी बहन है अमीर सादतीन, परेशान ना हुआ। असलेहान, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तुम अपना ख्याल रखना। खैरियत से जाइए अमीर सादतीन। अल्लाह के अमान में रहो। अल्लाह मददगार हो आपका। चलो रवाना होते हैं। आग लगी सीने में वेस्लियस। हाँ, हम यहाँ बगैर हिफाजती इकदामात के आ जाते बेवकूफ समझा था क्या हमें? तुम घटिया तुर्क। मेरे बहादुरों, पीछे हट जाओ। तुर्क, अपने सिपाहियों से कहो कि पीछे हट जाए। बमसी कहाँ है? लेकर आओ उसे। बमसी, मेरा भाई। इसकी हालत मुझे ठीक नहीं लगती दुर्गत भाई। जिंदा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जमींदार को मेरी तरफ भेजो। तुम पहले बमसी को यहां भेजो। अगली बार मिले तो जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे बमसी। इस बार बच गए तुम, अगली बार मेरी आमद का इंतजार करना। अगली बार मैं अपनी तलवारों से तुम्हारी जान लूंगा। इस बार तो तुम बच गए बमसी, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। बच तो तुम गए हो वैसिलियस, हम लोग तो शहादत का इंतजार करते हैं। संभालो, संभालो खुद को बमसी। मेरे इश्क की आग ने मेरी बहादुरी को खत्म कर दिया। जल्दी आर्तुक भाई के पास चलते हैं। भाई चलो। सिपाहियों,
घेरा बनाकर वापस चलो। इन मलूनों का भरोसा नहीं कर सकते हम। चलो यहां से। क्या हुआ, कोई खबर मिली क्या? अमीर सादत इन कोनिया वापस लौट रहे हैं भाई, उनके सिपाही भी उनके साथ जा रहे हैं। वो कोनिया वापस जा रहे हैं मुझसे मिले बगैर? हाजिर हो सकता हूं भाई। आ जाओ सामसा। हुकुम करें भाई। किले जाओ, हेलेना को बाखबर करो और कहो कि एक फरीक मुंतखब करे, अपने बाबा की वसीयत पर अमल करते हुए हमारा साथ दे या उनके कातिलों का। जैसा आपका हुकुम भाई। और हां, दुमरुल से कहना कि उससे उसकी इस गफलत का हिसाब लूंगा मैं। बमसी की हालत के बारे में मुझे क्यों खबर नहीं हुई? ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? कह दूंगा भाई। अमीर सादतीन ने अर्तुरुल के साथ मिलकर मेरे लिए जाल बिछाया। अब मैं बादशाह को सारी सूरत हाल बताऊंगा। अगर तदबीर ना की होती तो अब तक मर चुके होते। हमारा अजीम मकसद भी तुम्हारे साथ मिट्टी में मिल जाता। अब अंदाजा हुआ तुम्हें थियो, हमारे दुश्मन किस कदर चालाक और खतरनाक हैं? मैं इन्हें एक एक करके मसल दूंगा। लेकिन अर्तुरुल आसान लुकमा नहीं। जब तक उससे मुलाकात ना हो मुहतात रहना, बहुत जल्द मैं तुम दोनों का सामना करवाऊंगा। कैसे? तुर्क कबाइल अपनी सल्तनत के साथ खड़े होकर हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे। आज शब सराय में एक बहुत बड़ा जिरगा होने वाला है, तमाम तुर्क सरदारान उसमें शिरकत करने आएंगे और अभी रास्ते में ही होंगे। एक भी सराय नहीं पहुंच पाएगा, वहां सिर्फ उनकी लाश पहुंचेगी जमींदार। आराम से भाई, आराम से, हिम्मत रखो बमसी, आराम से ले आइए इन्हें। भाई अपने जख्मों का इलाज करवाओ बमसी, जिरगे के बाद बात करूंगा तुमसे मैं। अल्लाह ने चाहा तो जल्द से एहतियाब हो जाओगे बमसी, ठीक हो जाओगे भाई। आ जाओ बमसी, आराम से चलो। यहां बैठ जाओ, बैठ जाओ।
क्या तुम तैयार हो बंसी? लेकिन थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। कैसा दर्द आर्तुक भाई, इश्क कर बैठा था मैं। जिंदगी में पहली बार कमजोर पड़ गया मैं। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। बाजू का जोड़ तो बिठा दिया है बंसी, इंशाल्लाह जख्म भी जल्द भर जाएंगे। बाजू का ख्याल रखना। माशाल्लाह, अगर तुमने एहतियात ना की तो फिर तुम कभी भी अपने दोनों हाथों से जंग नहीं लड़ सकोगे। लाओ इसहाक। ये लीजिए भाई। घोड़ों को सस्ता लेने दो यहां। देखते हैं। तो आपने सरदार आजम नामजद किए जाने वाले उराल से आंखें फेर ली? हाँ, तुम मुझे इल्जाम देने के बजाय अपने आप को मलामत करो। तुम्हें तो अपनी बेवकूफी पर शर्मसार होना चाहिए कि अमीर सादुद्दीन की पुष्ट पनाही के बावजूद तुमने सरदार आजम का मनसब अपने हाथों से खो दिया। मैंने आपके लिए अब तक हर काम अंजाम दिया और मुस्तकबिल में भी यकीन करें कि ऐसे ही अंजाम देता रहूंगा। अपनी हरकतों से अपना एतबार और वकार तबाह बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हारे साथ इन इलाकों की फतह सल्तनत के नाम करना मुमकिन ही नहीं, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तुम अब भी मुझसे खुद पर एतबार रखने की उम्मीद कैसे रख सकते हो? तुम्हारे तो बहन भाई तुम पर एतबार नहीं करते। उराल के हर कदम पर नजर रखनी होगी हमें असलेहान। उनसे बात करते हैं, क्या पता वो राह रास्त पर आ जाए। नहीं असलियान, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। वो किसी रहम के काबिल नहीं रहा। तो फिर उन्हें कबीला बदल कर दें, चोलपान के साथ जहां चाहे जाके रहें। कोई फायदा नहीं होगा इससे मेरी बहन, वो और भी मुंहजोर होकर लौटेगा। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ कुत्तूजा, आ जाओ। शुक्र है कि आप ठीक हो गए भाई। शुक्रिया कुतलूजा। आपके लिए एक बुरी खबर है भाई, कोनूर साहब गुजर गए। हमें उनकी लाश कबीले के बाहर मिली। लोगों का कहना है कि घोड़े से गिरकर हलाक हो गए। उराल, ये सब उसी का किया तरह है। उन्होंने अपने बाएं दामाद सरदारान को अपने खैमे में जमा किया था। कोनूर साहब भी गए थे, उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है असलिया,
अगर अब भी हमने उसे नहीं रोका तो हर दिन एक लाश गिरेगी। उराल का कत्ल वाजिब हो चुका है। कुतलूजा, खत्म कर दो उसे। जैसा आपका हुक्म भाई। असलहान ने क्या बताया आपको? क्या उसे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है? मैंने उसकी आंखों में देख लिया था कि तुम पर एतबार करके उसे किस कदर पशेमानी हुई है। अपनी जबान से वो कुछ नहीं कहेगी क्योंकि शर्मिंदा है। हमारा साथ यहीं तक का था उराल। क्या मतलब है आपका? आप मेरी पीठ में खंजर घोंप रहे हैं अमीर सादतीन? जो कुछ भी किया वो तुमने खुद किया उराल। तुम वो खंजर हो जो अपने ही वजूद को कुरेद कुरेद कर छलनी करता रहता है। अमीर हजरत, मैं आखिर क्या करूंगा अब? अगर अक्ल है तो आलियार का साथ दो और अपनी गलतियों को सुधार के अपनी इज्जत और वकार को बहाल करो। नहीं, कभी नहीं, उसकी इताअत नहीं करूंगा। मैं कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता अमीर हजरत। तुम अब क्या करोगे मुझे इसकी जर्रा बराबर परवाह नहीं औरान। लेकिन ये जान लोगे मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर तुमने तुर्क कबाइल का सुकून तबाह किया तो ये सर जो तुम्हें बोझ लगता है तन से जुदा हो जाएगा। याद रखना। नहीं है लेना साहिबा, डरे नहीं, बिल्कुल खौफजदा ना हो आप। क्या चाहते हो मुझसे? मुझे अर्तुरुल भाई ने भेजा है। बमसी बहुत मुश्किल में है। वैसिल्यूस के सिपाहियों ने उसे यरगमाल बना लिया था। मुझसे वादा किया था उसने कि बमसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब पुरसुकून हो जाए। भाई का कहना है कि ज्यादातर फितनों के पीछे वैसिल्यूस का हाथ है। आपके बाबा का कातिल भी वही है। और आज के बाद वैसिल्यूस भाई का दुश्मन है और इसीलिए अब आपको किसी एक का इंतखाब करना होगा। दोपहर तक यही मौजूद हूं मैं। अगर कुछ कहलवाना हो तो यहां जाइएगा। आलियार भाई ने हुक्म दिया है उराल को गिरफ्तार कर लो। वो वाजिबुल कत्ल है। मोहब्बत ने मुझे हरा दिया। भाई आप जो चाहें सजा दे मुझे। तुमने हद पार कर दी है बमसी। वैसिल्यूस के एक एक कदम पर नजर रखूंगी मैं। अगर मेरे बाबा का कातिल वो है तो उसकी जान अपने हाथों से लूंगी मैं।